आपका बच्चा सुरक्षित है? प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी कहाँ तक है? क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए सिर्फ प्रबंध तंत्र ही जिम्मेदार है? टाइनी टॉट्स स्कूल में हुई घटना ने एक नई बहस छेड़ दिया है, जिस पर सभी अभिभावकों को आत्ममंथन करना चाहिए। प्रायः ऊंची फीस वाले सभी विद्यालयों में CCTV कैमरे लग गए हैं। काफी स्कूलों ने स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा लिया है। फिर भी यदि बाहर कोई घटना हो तो प्रबंध तंत्र जिम्मेदार कैसे? समाज का नैतिक पतन हो रहा है, परंतु कोई घटना हो तो प्रबंध तंत्र के खिलाफ FIR होना गलत है। इसी को लेकर सभी स्कूलों के प्राइवेट स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन ने IG महोदय को ज्ञापन दिया और अपनी बात रखी। आज हमारी प्रेस वार्ता का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो एक घृणित घटना हुई है टाइनी टॉट्स स्कूल के एक बच्चे के साथ में, उस घटना में जो भी दोषी लोग हैं उनकी निष्पक्ष विवेचना करके गिरफ्तारी हो जाए, जो हो गई है, जो बच रहे हों उनकी भी गिरफ्तारी हो, लेकिन अनावश्यक प्रबंध तंत्र प्रधानाचार्य और उसको टारगेट करने का जो प्रयास है वो अच्छा नहीं माना जा सकता है। जिस तरीके से यह घटना समाज के लिए जो है एक बहुत ही घृणित मानी जाएगी कि समाज में इस तरीके की चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं, वैसे ही पठन पाठन का माहौल, शैक्षणिक माहौल, ये जो इस विद्यालयों के जो स्वच्छता है, जो एक अच्छा वातावरण है जिसको बनाने का ये प्राइवेट स्कूल्स प्रयास कर रहे हैं कि जो है तमाम तरीके की सुविधाओं को दे करके बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास किया जाए, और ऐसे में यदि कुछ लोग आ करके किसी घटना से जोड़ते हुए प्रबंध तंत्र और उसको कहें कि साहब इनको भी जो है दोषी मानकर आरोपित किया जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही, निष्पक्ष रूप से उसको काम करने दिया जाए, विभिन्न बैनरों और समूहों के माध्यम से कल आपका एक प्रतिनिधिमंडल, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल IG साहब से मिलकर के उसने अपनी बात कही और आज DM साहब से सवेरे मिलकर। आज अवध विश्वविद्यालय सभागार में नारी सम्मान समारोह नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के सभी अधिकारी एवं विभिन्न कॉलेजों की छात्राएं एवं महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिलाओं एवं युवतियों की सुरक्षा कैसे हो व अपनी सुरक्षा कैसे करें, इस पर पुलिस अधिकारी ने बातें साझा की। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित, IG, DIG, SSP, CO City, SPRA आदि मौजूद थे।
HDFC बैंक ने भी रक्तदान जीवन दान नाम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 60 लोगों का पंजीकरण कराया। बैंक के प्रबंधक ने इसे सामाजिक दायित्व तो बताया और कहा, हम यह कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं। गाजियाबाद जिला चिकित्सालय में आज आप यहाँ पर HDFC बैंक द्वारा रक्तदान जीवन दान का एक शिविर यहाँ पर आपने आयोजित किया है, और विगत कितने वर्षों से आप चला रहे हैं और अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया है, बताएं। रक्तदान हमारा HDFC बैंक पूरा देश व्यापी रक्तदान शिविर आयोजन करता है, हर दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को करता है, और ये 11वां रक्तदान शिविर है। मतलब 11 साल से लगातार हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिसके तहत हम HDFC बैंक की तरफ से जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है हमने, और अभी तक यहाँ पे करीब 10 लोगों ने रक्तदान किया है, बाकी और लोग हमारे कर्मचारी आ रहे हैं और शाम तक रक्तदान करेंगे, 7 बजे तक रक्तदान चालू रहेगा हमारा, और हमारे कर्मचारी, बाकी हम कस्टमर्स और हमारे जो मित्र लोग हैं सारे लोग यहाँ पर रक्तदान से। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको जो रक्तदान जो है करना चाहिए? प्रेरणा ये एक्चुअली हमारा जो कॉरपोरेट, हमारा हेड ऑफिस, हमारे जो ग्रुप हेड हैं मिस्टर भावेश जवेरी, उन्होंने पूरे उसमें देश में जितनी ब्रांचेस सब पे किया है और सब लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं, क्योंकि जितनी रक्त की आवश्यकता हमारे देश में होती है उतना लोगों को मिल नहीं पाता है, और जिसके तहत हमारा बैंक करता है, और वर्ल्ड गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारे बैंक का नाम है, जो कि अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। साकेत न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश मेरा यही है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे कॉलेज से हमारे NCC टीम है, इन सबको ये कहना चाहता हूँ कि वो नियमित रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता है, हर स्वस्थ व्यक्ति 18 से 60 साल की उम्र का जो है रक्तदान हर 3 महीने बाद कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद यादव है, प्रबंधक हूँ मैं। गाजियाबाद जिला चिकित्सालय में आज आप लोग रक्त दिवस मना रहे हैं और HDFC बैंक द्वारा, अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पर रक्तदान में भाग लिया है और कितनी यूनिट अभी तक आई है, बता दें? अभी तक 7 लोग। पिछले 3 सालों से हम लोग HDFC बैंक की तरफ से अपने को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम लोग पिछले 3 सालों से रक्तदान कर रहे हैं। हम लोग के HDFC बैंक की तरफ से टोटल तो 50 स्टाफ हैं, जिसमें से ये मान के चलिए कि 90% लोग आके डोनेट करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, और लगभग ये मान के चलिए कि इसमें अब तक 60 यूनिट हो चुका है। 60 यूनिट? जी हो चुका है, यानी 60 यूनिट भी आपने दे दिया। हाँ, विगत 3 वर्षों से चल रहा है। चल रहा है जी सर। इसका क्या विशेष था जो आपने यहाँ पर आज का दिन चुना? आपने आज का दिन चुनने का मकसद ये था कि हम लोगों की पहले खुद अपने से भी आपस में जो है बातचीत हुई, मीटिंग किया गया, उसके बाद फिर DM साहब से भी डिस्कस हुई थी, तो उन्होंने खास तौर से यही दिन रखा कि आप इस दिन रखिए और इसी दिन जो है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद। आकांक्षा समिति फैजाबाद ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में किया, जिसमें आकांक्षा समिति की अध्यक्ष मधुलिका मिश्रा, BSC डॉक्टर अमिता सिंह सहित काफी संभ्रांत महिलाएं उपस्थित रहीं, जिसमें 52 लोगों का पंजीयन किया गया परंतु 13 यूनिट रक्त ही इकट्ठा किया गया। CMS ने बताया कि शेष का पंजीकरण है, जरूरत पड़ने पर रक्त के लिए बुला लिया जाएगा। इस अवसर पर CMO, CMS डॉक्टर नानक शरण और नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। फैजाबाद जिला अस्पताल पे यहाँ पर ब्लड डोनेट चल रहा था और अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और क्या हुआ, कैसे? आज आकांक्षा समिति के द्वारा ब्लड का डोनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें 52 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी हमने 12 लोगों करीब ब्लड डोनेट कराया है। हमारे यहाँ प्रचुर भंडार है, 194 बोतल हमारा पास ऑलरेडी है, बाकी आवश्यकता पड़ने के बाद आगे भी लिया जाए। अभी ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है इस समय। जिस तरह से आपने बताया कि हमारे पास भंडार है, तो जो डोनेट कर रहे हैं तो क्या इनको रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और जब जरूरत होगी फिर दोबारा बनवा लेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन करा लें उसके बाद ये जब जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा करा लिया जाएगा।